क्या है आज का प्रेरक प्रसंग? एक बार एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वे बहुत दयालु तथा हृदयग्राही थे। किसी को भी कभी अपशब्द नहीं कहते थे। जो भी उनके घर आता वे अच्छे से उसका आतिथ्य सत्कार करते। लोग उनसे सलाह मशविरा लेने आया जाया करते थे। एक बार एक कैदी जेल से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। वह जब गांव के बीच पहुंचता है तो उसे एक घर का दरवाज़ा खुला दिखता है। वह घर उसी सज्जन पुरुष का था। वह बिना इजाज़त के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही वह कैदी अंदर पहुंचता है तो वह सज्जन पुरुष बड़ा शोभा सौम्यता से कहते हैं, आइए महाराज, आपका स्वागत है। उसे आराम से बिठाता है और कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? वह कैदी कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे आज रात रहने की जगह दे सकते हैं? आपका बड़ा एहसान होगा। वह पुरुष कहता है, क्यों नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए खाने सोने की व्यवस्था करता हूँ। जब तक वह कैदी नहाता है तब तक वह सज्जन पुरुष उसके लिए सब व्यवस्था करता है। खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह वहाँ से सोने की चीज़ें चुरा लेता है, फिर भाग जाता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पूछताछ करती है तो वह कहता है, मैंने उस सज्जन पुरुष के यह से चुराया है। उस कैदी को उस पुरुष के सामने लाया जाता है, लेकिन वह पुरुष कहता है कि यह सोने की वस्तु मैंने ही इसे दान में दी है। उस कैदी की आंख खुल जाती है और उस पुरुष से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना, ना कि चुराना। शिक्षा इसलिए कहा गया है कि विश्वास रखो तो सब कुछ सही हो जाता है।